नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीकेट कुल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जिस बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों वो बिजनेस समझ लीजिए कि गांव, गली, मोहल्ला, शहर कहीं भी आप रहते हैं तो उस बिजनेस को आप बहुत ही आसान तरीके से करके अच्छा खासा कमाई क्या उसमें आप रोजाना चाहें तो कई हजार रुपए की कमाई कर सकते हैं। लेकिन आप जितने बड़े स्तर पर उस काम को करेंगे, मतलब जितनी बड़ी जिम्मेदारी से करेंगे दोस्तों, आपकी कमाई उतना ज्यादा होगी। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है, ये आइडिया समझ लीजिए कि आपको एक कला जानने की जरूरत है, मतलब आपको एक कला सीखनी होगी तभी आप उस बिजनेस को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो बिजनेस है, ये मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ सीधे, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाने के लिए उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये बिजनेस कौन सा है और आपको इसको किस तरीके से करना है। दोस्तों ये जो बिजनेस है, ये समझ लीजिए कि बिल्डिंग का बिजनेस है, मतलब जो मकान बनते हैं उनमें आपको बनाने का या उसका जो पुट्टी का काम है, पीओपी का काम है, पेंट का काम है दोस्तों, वो ठीका लेकर के आपको बिजनेस करने का। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो छोटे छोटे मकान होते हैं उसमें आप चाहें तो ठीका लेकर के आप चाहें तो बिल्डिंग मकान बनवा सकते हैं। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए अगर मकान बनवाना है तो आप उसमें ये बिजनेस कर सकते हैं कि आप उसको ठीका ले सकते हैं और उसमें अपना लेबर वर्कर ढूंढ करके उसमें लगा करके आप उसमें अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, मतलब ठीका लेकर के, और नहीं तो आप किसी से करा भी सकते हैं अगर आपके पास उतनी मान लीजिए कि क्षमता है आपको लोगों को रखने के लिए, काम दिलाने के लिए, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने छोटे मोटे की बात किया, लेकिन दोस्तों अगर इस बिजनेस को आप अगर बड़े स्तर पे करते हैं, जितने ही बड़े चीजों का, मतलब जितने ही बड़ी कीमत की चीजों का अगर आप ठीका लेकर के आप बिल्डिंग का काम कराते हैं दोस्तों, तो आपको कमाई भी उतना उसी हिसाब से आपको ज्यादा होगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात और है कि ये जो बिजनेस है, ये मतलब समझ लीजिए कि नया मकान बनाने का ही नहीं है, आप पुराना रिपेयर करना हो उसका भी ठीका ले सकते हैं, और नया बनाना हो उसका भी आप बनाने का ठीका ले सकते हैं। मटेरियल तो सारा जो व्यक्ति का मकान बनता है उसी का होता है, लेकिन दोस्तों आप उसमें कारीगरी का, मेहनत का ठीका लेकर के उस काम को कर सकते हैं, और जल्दी करके आसानी से, या जल्दी करा करके आप उसको आसानी से अच्छा खासा कमाई का एक साधन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा भी होगा, बहुत से जगह इस बिजनेस को किया भी जाता है, ज्यादातर गांव में इस बिजनेस को नहीं किया जाता है, लेकिन शहरों में ज्यादातर इस बिजनेस को ज्यादातर लोग ठीका के रूप में लेते हैं और इस बिजनेस को करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कौन सा बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी दिया। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।